खबर सुल्तानपुर से है, जहां आज समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला कार्यालय पर आहुति की, जिसमें समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए पार्टी में सदस्यता अभियान को संचालित कर रखा है, लेकिन जिस तरह सपा में बगावत है उससे उसका सपना पूरा होता नहीं दिख रहा। बताते चलें कि इसकी वानगी सुल्तानपुर में आज तब देखने को मिली जब सपा नेता मुजीब अहमद ने जिलाध्यक्ष पृथ्वीलाल को सपा का सिंबल लगा एक स्मृति चिन्ह भेंट किया, जिस पर मुजीब अहमद 187 विधानसभा इसौली लिखा था। मुजीब ने इसके जरिए साफ संकेत देने की कोशिश की है कि वो इसौली से दावेदारी दिखा रहे हैं। हालांकि मुजीब अहमद हाल ही में बसपा छोड़ सपा में शामिल हुए, तो वहीं इसौली सीट से पूर्व सांसद ताहिर खां प्रबल दावेदार हैं। उन्होंने क्षेत्र में खासा समय दिया है और जनता में पकड़ भी मजबूत बनाने का दावा किया है। ठीक इस समय मुजीब की एंट्री और इसौली का उनके द्वारा जिक्र बड़ी बगावत का संकेत दे रही है। उधर मीडिया से बात करते हुए मुजीब अहमद ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब आदेश किया तब हम समाजवादी पार्टी में आ गए और हम बसपाई नहीं, हम सपाई बनकर आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां ड्यूटी लगा देंगे हम उसका पालन करेंगे। बसपा छोड़ने पर उन्होंने कहा कि सपा के काम से प्रभावित होकर हमने उसे छोड़ा है, हम काम करने के लिए आए हैं, बीजेपी की तरह लोगों को झांसा देने नहीं आए हैं। साथ ही साथ अवगत कराते चलें कि मुजीब अहमद राजनीति का कोई बड़ा चेहरा नहीं थे, बीएसपी में भी इनकी उपस्थिति रही और 2017 का विधानसभा चुनाव सुल्तानपुर लड़ चुके हैं और उसी के बाद ये सुर्खियों में आए थे। ना इसके पहले ना कोई जानता था ना पहचानता था। 2017 का विधानसभा चुनाव इनके लिए संजीवनी बना, वो बसपा से टिकट लेकर सुल्तानपुर सीट से चुनाव लड़ने पहुंचे और पानी की तरह पैसा बहाया, क्षेत्र में ताबड़तोड़ उनकी गाड़ियां दौड़ी, तब लोगों ने जाना कि ये मुजीब अहमद है। करीब 1.5-2 महीने तक वो क्षेत्र में डटे रहे और चुनाव में मिली हार के बाद जब वो गायब हुए तो 5 साल बाद अब सुल्तानपुर फिर वापस लौटे। अब देखना यह है कि सुल्तानपुर की जनता उनको स्वीकारती है या नहीं। सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट। हमने ज्वाइन किए क्या बसपा क्यों छोड़ी? सबसे बड़ी बात है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनका जो जन जन को संदेश है, विकास का संदेश है, रोजगारों का, रोजगार लोगों के लिए रोजगार देने का संदेश है और जो उन्होंने डेवलपमेंट करा है उसका सबसे बड़ा लोग में ये जानकारी है कि जो डेवलपमेंट करा है वो अखिलेश यादव जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो बहुत कुछ है गिनाने के लिए, तो आपको मैं एक तरफ से अगर गिनाऊं तो उन्होंने विकास के नाम पे आगरा एक्सप्रेसवे जो बनाई है उसकी क्वालिटी देखिए आप, और जो उन्होंने स्टेडियम बनाया, आईटी सिटी बनाई, रिवर फ्रंट बनाया, 10 लंबे चौराहे पे जितना भी डेवलपमेंट करा है लखनऊ में उन्होंने ही करा है, JPNIC जैसी करा, कैंसर हॉस्पिटल करा, गिनाने के लिए तो बहुत कुछ है। अगर शब्द कम पड़ जाएंगे तो काम बहुत है, तो काम के बेस पे और सब समाज को छोड़ने के लिए हम लोग आए हैं और काम करके दिखाएंगे और काम करा है, विकास का काम करा है। हम लोग लोगों को झांसा देने नहीं आए हैं, जैसे बीजेपी के लोग झांसा देते हैं, हम लोगों को झांसा नहीं देना है, सब समाज को जोड़ना है, सारे समाज के लेकर के आगे बढ़ना है और विकास का काम करना है। चुनाव के समय ही क्यों ज्वाइन किया था? हमारा जो वर्क है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब इसको आदेश दिया तब मैं आ गया। हम तो सिपाही बन करके आए, तो ऐसा कोई हमारा कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो चाहेंगे जहाँ ड्यूटी लगा देंगे, जैसा उनका आदेश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे। मुझे कई बात ये हो रही है कि बसपा पहले यहाँ पे चुनाव लड़ चुके हैं बसपा सिंबल से, बसपा क्यों छोड़ी और समाजवादी? समाजवादी का जो वर्क है, जो काम है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की जो सोच है उस पर प्रभावित होकर के मैं बसपा छोड़ करके विधानसभा से लड़ने की इच्छा मैं ऐसा कुछ मेरा वो नहीं है। मैं तो सिपाही के तौर पर पार्टी में आया हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ ड्यूटी लगा देंगे वो सिपाही के तौर पर करेंगे, बूथ से लेकर के जहाँ ड्यूटी लगा देंगे वहाँ काम करेंगे। आज कॉन्फ्रेंस करने का क्या उद्देश्य है? लोगों में संदेश देना है कि जो पार्टी नौजवानों के बारे में सोचे, महिलाओं के बारे में सोचे, विकास के बारे में सोचे, ऐसी पार्टी को हम लोग सब जन फिर से जिता करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, ये सोच करके आज हम लोग ने 2017 में आपने चुनाव लड़ा, दूसरे नंबर पे आप रहे, अब 5 साल बाद ये चुनाव ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं, तो दिखाई नहीं पड़े आप। हम लोग अपने क्षेत्र में आते जाते रहते हैं, मगर चुनावी माहौल नहीं था इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस